कोविड-19 महामारी से मौजूदा समय पूरा विश्व जूझ रहा है और इस बीमारी से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजर मास्क वितरित किए गए हैं तथा अब थर्मल स्कैनर वितरित किए जाएंगे। परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि वे अपने 20 क्षेत्र में सातवां चरण शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सातवें चरण के तहत प्रत्येक पंचायत में थर्मल स्कैनर वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 46 पंचायतें व एक नगर परिषद है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 5 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो कि अपने अपने पंचायत क्षेत्र के तहत आने वाले गाँव के प्रत्येक घर में जाकर लोगों की थर्मल स्कैनर करेंगी और इसके लिए प्रत्येक पंचायत में रजिस्टर भी लगाया जाएगा जिसमें संबंधित लोगों के नाम व पते तथा टेलीफोन नंबर भी अंकित किया जाएगा। इससे कोविड-19 का सही आंकड़ा सामने आएगा। उन्होंने बताया कि 20 क्षेत्र के लिए थर्मल स्कैनर खरीदे गए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हैं। उन्होंने बताया कि वे इस काम को बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के कर रहे हैं तथा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी ये हिदायत दे रखी है कि वे क्षेत्र के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हैंड सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि पहले 6 चरणों में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 20,000 लीटर हैंड सैनिटाइज वितरित किए गए हैं तथा 50,000 मास्क लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए 30,000 लीटर सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने का कार्य 1.5 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा और उसके बाद सभी आंकड़ों को एकत्रित कर इस रिकॉर्ड को DC बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा तथा इसकी एक कॉपी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना बीमारी से लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया ये काम पूरे प्रदेश में केवल नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में ही शुरू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमारी के इस दौर में राजनीति नहीं करनी चाहिए तथा सभी को एकजुट होकर लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे सुरक्षित रखा जा सके। आए हैं कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं और जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं आपसे जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे जो लोकल लोग हैं वो कम जो है संक्रमित हुए हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं, कोई बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, कोई मजदूरी करने के लिए गया था, इस बीमारी ने काफ़ी लोगों को तंग किया है। तो आज मैं ये कहूँगा कि नैना देवी जी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं बतौर विधायक, आप सबों को मालूम है क्योंकि पहले भी आप मिलते रहे हैं कि हमारा ये सातवां जो है वो कार्यक्रम है। सातवां जो है कार्यक्रम इसलिए मैं कह रहा हूँ, 5 हमने कार्यक्रम जो किए थे वो थे हर पंचायत में पंचायत को सैनिटाइज करना, उसके साथ जो है वो जो हमारे मास्क है उनको बांटना और साथ में हैंड सैनिटाइजर जो गांव-गांव में हमने दिए वो, उसके बारे में ये हमारे सारे कार्यक्रम थे। हमने सबसे पहले जो था वो हमारे जो गाउन हमने होमगार्ड को, कुछ पुलिस के साथियों को, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को, होमगार्ड के लोगों को, म्यूनिसिपल कमेटी के लोगों को इंक्लूडिंग बिलासपुर म्यूनिसिपल कमेटी, वो हमने पहला कार्यक्रम चलाया था। उसमें कुछ एक को तकलीफ थी, मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है जो आज से हम शुरू कर रहे हैं वो है मेरी कमिटमेंट जो नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथियों के साथ थी कि हमने हर पंचायत में जो थर्मल स्कैनर है वो हमने हर पंचायत में मुहैया कराने हैं। वो हमारा सप्लाई ऑर्डर अभी आ गया है और ये मैं कहना चाहूँगा कि 50 स्कैनर हैं जो मैंने खरीदे हैं और ये नहीं कि हमने हर कहीं से ले लिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है ये कंपनी नेशनल लेवल पे
इंटरनेशनल लेवल पे इस कंपनी की अपनी जगह है। मैंने उनको ऑर्डर दिए थे और उन्होंने अभी कल ही शाम को ये जो स्कैनर है वो हमारे को भेजे और आज से हम हर पंचायत में इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे। कार्यक्रम क्या चलाएंगे वो ये है कि अगर मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग अगर जाएंगे, पुलिस के लोग जाएंगे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई लोग अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, या वो जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के चलाए कार्यक्रम में